गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x^4 + 6x^2 - 2x^2 - 10x - 5। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, दो जीरोस उसके दिए, एक तो √5/3 एंड दूसरा -√5/3। ये दो जीरोस दिए, दूसरे ऑल द जीरोस, तो बाकी वाले जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्यों बाकी वाले जीरो, दो जीरो तो दिए, तो हमें पता है कि टू जीरोस कितने होते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है। पर यहाँ पे डिग्री कितनी है, फोर डिग्री है, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, फोर होंगे। तो यहाँ पे दो दिए, हमें बाकी वाले दो जीरोस फाइंड करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, किसी भी सम को ये कन्वर्ट ट्विस्ट करके ऐसे पूछ सकते हैं, दो जीरो दिए हो और बाकी वाले दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो पहले तो क्या करना है, जब भी दो जीरोस दिए हो ना, तो ये दोनों जीरो से उसके दो फैक्टर मिल जाएंगे हमें, वो फैक्टर पहले लिखना है। देखो कि √5/3 एंड -√5/3 आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। ये दोनों जीरोस है, राइट। तो देयरफॉर होगा क्या, जैसे हमने थियरी में सीखा था कि इफ ए इज जीरो तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - a इज फैक्टर। ये थियरी सीखी थी हमने। तो x - a था तो x - a, तो यहाँ पे जीरो क्या है, 5/3 है रूट, तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x - √5/3 और दूसरा फैक्टर x - √5/3 और यहाँ पे दूसरा जीरो है, माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो x + √5/3। ये दोनों आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, राइट। ये दोनों उसके फैक्टर्स हो गए। तो अब ये दोनों फैक्टर्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर x - √5/3 × x + √5/3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a + b a - b वाली फॉर्मूला, तो x² - b², तो x² इसकी टर्म हो जाएगी, -√5/3² तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² - √5/3² है तो रूट निकल जाएगा, तो 5/3। ये उसका एक फैक्टर हो गया, किसका, गिवन पॉलीनोमियल का। अभी हमें दूसरा फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा और उसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो दूसरा फैक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये जो पॉलीनोमियल दिया है उसको ये फैक्टर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, तो देखो पॉलीनोमियल क्या दिया है, 3x^4 6x³ - 2x² - 10x - 5। अभी इसको, इसका एक फैक्टर है x² - 5/3, एक फैक्टर से डिवाइड करो तो जो पोसन पॉलीनोमियल मिलेगा वो उसका दूसरा फैक्टर है, वही फैक्टर के जीरोस फाइंड कर देंगे तो रिमेनिंग जीरोस मिल जाएंगे। तो अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए जो है हमें मेथड यूज़ की थी वही, कि फर्स्ट टर्म 3x^4 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म x² डिवाइड करो तो बचेगा क्या, 3x², तो फर्स्ट टर्म क्या मिली, 3x², तब 3x² को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते, तो 3x^4 पहले तो हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई। अब 3x² और 5/3, 3x² मल्टीप्लाई -5/3 करो तो 3 कैंसिल, तो -5x² क्या मिलेगा, -5x², तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -5x², तो ये x² वाली टर्म के नीचे लिख दिया मैंने, राइट। अब ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये तो एडिशन करो तो जीरो हो जाएगा, ये क्यूब वाली टर्म एज इट इज रहेगी 6x³। अब ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन करो तो -2x² + 5x² तो +3x² और ये दोनों एज इट इज आगे लिखना है -10x - 5, राइट। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट टर्म, तो 6x³ फर्स्ट टर्म है, उसको फर्स्ट टर्म x² से डिवाइड करना है। ये सिर्फ समझने के लिए, तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर तुम्हें समझ में आता है तो इसको नहीं लिखना है। तो ये x² से डिवाइड करो तो बचेगा क्या, 6x, तो +6x कोसाइन पॉलीनोमियल की दूसरी टर्म हो गई।
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6x³ क्या मिलेगा, 6x³। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 6x मल्टीप्लाई -5/3 तो 3 2 6 तो बचा क्या, 2 5 10 -10x क्या बचा, तो ये 10x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म के नीचे लिख दिया मैंने। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये तो जीरो हो जाएगा, 3x² वाली टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, और ये भी जीरो हो जाएगा, और ये ऊपर से -5 ये बचेगा। फिर से फर्स्ट टर्म 3x² / x² x² कैंसिल तो क्या बचा, 3, तो +3। फिर 3x² मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 3 कैंसिल तो बचेगा क्या, -5 क्या बचेगा, -5। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो 0 + 0 ये 0 हो गया। फैक्टर है इसलिए 0 ही आएगा आंसर इसमें, तो ऑलवेज रिमेनिंग फैक्टर फाइंड करने वाले में जो फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, राइट। तो अब जो हमें जीरोस फाइंड करने हैं, दो जीरोस दिए थे उससे तो ये फैक्टर बना, पर ये फैक्टर के जीरोस फाइंड करने हैं, इससे जो फैक्टर मिलेगा उससे दो दूसरे फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो अब आगे हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक। तो हमें क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्या मिला, 3x² + 6x + 3। अब इसके फैक्टराइजेशन करके जीरोस फाइंड करेंगे, वो हमारा जो जीरो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा। तो पहले तो ये तीनों में 3 कॉमन है, देखो तो 3 कॉमन निकालो तो बचा क्या, x² + 2x + 1, राइट। अब ये कैसे फैक्टराइज करोगे, तो ये 3 एज इट इज रखते हैं और ये 1 है, 1 के फैक्टर से मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो x² + x + x, 1 1 ज़ा 1 होता है तो 1 1 + 1, राइट, ऐसे होगा। तो 3 फर्स्ट, ये दोनों में कॉमन x, x + 1 बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1, +1 कॉमन निकालो, x + 1, राइट। तो 3 और x + 1, ये भी x + 1 और दूसरा भी x + 1, तो ये दोनों हो गए, राइट। ये अब हमें इसके जब भी जीरोस फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको जीरोस कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, पर ये दो में से एक 0 है, तो देयरफॉर हियर x + 1 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, राइट। तो ये जीरोस फाइंड करने थे, जीरो फाइंड करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, इसको 0, p ऑफ x को 0 करते थे, राइट। तो -1 and -1, तो देयरफॉर -1 and -1 आर अदर जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ये उसके जीरोस हो गए। जो देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन दिया है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by polynomial g ऑफ x। ये पोलिनोमियल को एक g ऑफ x से डिवाइड करो, तो क्वेश्चन पोलिनोमियल एंड रिमाइंडर पोलिनोमियल वेयर, ये क्वेश्चन पोलिनोमियल और ये रिमाइंडर पोलिनोमियल मिलता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो दिया है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, देखो सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल दिया है वो डिवाइडेंड पोलिनोमियल है। क्या है डिवाइडेंड, मतलब उसे क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स, x³ - 3x² + x + 2, ये डिवाइडेंड पोलिनोमियल हो गया। फिर क्वेश्चन पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पोलिनोमियल, क्या होता है, क्वेश्चन पोलिनोमियल। तो वो भी लिख देते हैं, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या मिलता है यहाँ पे, x - 2, ये दिया है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट। दूसरा हमें यहाँ पे दिया है रिमाइंडर, क्या दिया है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, -2x + 4, ये दिया है हमें। हमने पहले ही ये जब सीखा था पॉलिनोमियल का डिवीजन, तब एक कंडीशन लिखी थी कि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x
मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये कंडीशंस होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जिस डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन पॉलिनोमियल करो प्लस रिमाइंडर करो तो हमें पी ऑफ एक्स मिल जाएगा। पर यहाँ पे तो पी ऑफ एक्स दिया है, क्यू ऑफ एक्स दिया है, आर ऑफ एक्स दिया है, हमें जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो पहले तो यहीं पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखो कि पी ऑफ एक्स क्या दिया है, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये पी ऑफ एक्स दिया है हमें, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो डिवाइजर पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया है वो यहाँ पे याद रखना है। तो जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, दिया नहीं है, तो ये जी ऑफ एक्स ये हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स वो हमें दिया है, क्या दिया है, एक्स माइनस टू, क्या दिया है, एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये आर ऑफ एक्स हमने लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है तो हम इसको पहले उस साइड ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है तो उसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी। देखो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, अब ये इस साइड लाता हूँ मैं तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, बराबर। अब नेगेटिव और ब्रैकेट में टू एक्स प्लस फोर है, राइट, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जो हमें जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, और मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो देयर फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सॉरी जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, तो देखो एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वो भी एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, ये दोनों का फिर टू माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस टू। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया इन टू जी ऑफ एक्स माइनस टू, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो ये जी ऑफ एक्स को यहीं रहने देता हूँ, तो देयर फोर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसे हम एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी ऑफ एक्स, मतलब डिवाइजर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो अब हम उसको क्या, अब देखो ये इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए वही करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म अपॉन एक्स, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब इसकी साइन चेंज करते तो माइनस प्लस, तो बचा क्या यहाँ से जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू। नेक्स्ट स्टेप तो माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कैंसल, बचा माइनस एक्स, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे माइनस एक्स, माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस टू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स, फिर उसकी साइन चेंज कर देते हैं तो प्लस माइनस। अब साइन चेंज करने के बाद ये तो जीरो हो गया, थ्री एक्स माइनस टू एक्स तो एक्स हो जाएगा माइनस टू, फिर से फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म तो वन तो प्लस वन, ये वन और एक्स मल्टीप्लाई करो तो एक्स और वन माइनस टू माइनस टू माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया जीरो, राइट। तो देयरफॉर हमें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये जो हमारा आंसर है जी ऑफ एक्स। तो जब भी हमें ऐसे सम करना हो तो ये जो ऊपर हमने लिखी है कंडीशन वो याद रखनी है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये चार में से किसी भी तीन पॉलिनोमियल को दिए हो तो बाकी वाला एक हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जी ऑफ एक्स नहीं दिया था, अगर जी ऑफ एक्स दिया हो और आर ऑफ एक्स फाइंड करना है तो भी यही फॉर्मूला यूज करनी है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना हो तो भी यही फॉर्मूला यूज करनी है, कोई भी फाइंड करना हो यही फॉर्मूला करनी है। तो ये दोनों सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है और ये दोनों सम तुम्हें थ्री टाइम करने हैं, कंपलसरी सबको ये थ्री टाइम करने हैं, ओके।